कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के घर पर मंगलवार सुबह सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई ने कुल 16 जगह पर छापा मारा। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पी चिदम्बरम के चेन्नई के आवास और कार्ति चिदम्बरम के कराईकुड़ी के घर पर छापा मारा। पी चिदम्बरम ने कहा कि सभी नियमों का पालन किया गया है, सरकार मुझे निशाना बना रही है, सरकार की मंशा मेरी आवाज दबाने की है। चिदम्बरम ने सरकार पर सीबीआई और अन्य एजेंसियों की इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। इनकम टैक्स ने लालू प्रसाद यादव के 22 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापे बेनामी संपत्ति के मामले में मारे गए लालू यादव के अलावा सांसद प्रेमचंद गुप्ता के बेटों के घरों पर भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इनकम टैक्स ने दिल्ली गुड़गांव के इलाकों में छापेमारी की और इस दौरान लगभग 1,000 करोड़ की संपत्ति पर छापेमारी की गई। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमों में मुलाकातों का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के नाम को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हो सकती है। आम आदमी के लिए अच्छी खबर है, सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की है। पेट्रोल के दाम 2 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए गए हैं, जबकि डीजल 2 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। अपने घर का अपना सपना साकार करने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी फाइनेंस कंपनी ने होम लोन की ब्याज दरों को घटा दिया है। अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आज सीबीआई जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई को कुछ और सबूत देंगे। इससे पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन के कथित लेनदेन को लेकर शिकायत की थी। मंगलवार सुबह कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट कर डाला। कपिल ने लिखा कि आज के वक्त का पहिया एक चक्र पूरा कर चुका है। अरविंद केजरीवाल क्या करने आए थे और क्या क्या करते पकड़े गए। हरियाणा के रेवाड़ी सिंघा गांव के पास कार और ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सोमवार को हेग इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव मामले पर सुनवाई की, जिसमें भारत ने पाक पर वियना संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। तो वहीं प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कोर्ट ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की दलीलें सुन ली गई है, अब कोर्ट इस पर विचार विमर्श करेगा। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। शाम 5 बजे एसीएम की अध्यक्षता में लोक भवन में बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर सरकार मुहर लगा सकती है। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ से बड़े उद्योगपति मुलाकात करने वाले हैं। सीएम व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में प्रदेश के निवेश की संभावनाओं पर चर्चा संभव है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बदलाव की बड़ी कार्रवाई हुई, जिसके तहत 47 अवर अभियंता और 28 क्लर्क के विभाग बदल दिए गए। बताया जा रहा है कि विकास प्राधिकरण ने 10-10 साल के कई मलाईदार विभागों पर कर्मचारियों की तैनाती थी। यूपी विधानमंडल सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा में आज जीएसटी बिल पर चर्चा होगी। सत्र में आज भी विपक्ष के हंगामे के पूरे आसार हैं। कल भी हंगामे के साथ सत्र का आगाज हुआ था। यूपी की 17वीं विधानसभा की कार्यवाही में विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। इस बीच राज्यपाल राम नाईक ने भाषण के दौरान उन पर जमकर कागज की गोली फेंकी, जिसके बाद सत्र को स्थगित कर दिया गया। सोमवार को लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिव्यांग बच्चों के लिए गेम जोन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सदन में हुए हंगामे को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह आचरण किसी भी तरह से सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है।